जी टीवी की मॉडर्न डे फेरी टेल सीरियल विश्वकन्या में अपू और मलय की लव स्टोरी में अब दो न्यू एंट्रीज होने वाली है और तो और एक नया ट्विस्ट भी आने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में प्राची सिन्हा की एंट्री होने वाली है जहां वो वरदान का रोल प्ले करेंगी। वरदान मलय और अपू के बीच आकर उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। वेटरन एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी भी शो में एंटर करेंगी जहाँ वो वरदान की माँ का रोल प्ले करेंगी और उसका नाम रेनू होगा। शो में हिमानी यानी रेनू वरदान की माँ होगी और वो अपनी बेटी के बारे में एक राज जानती होगी। वो राज ये होगा कि रेनू ने वरदान को गोद लिया है यानी वरदान एडॉप्टेड होगी और यही बात रेनू दुनिया से छुपाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ प्राची जो शो में वरदान बनी है ये उनका पहला टेलीविजन डेब्यूट होगा। शो में वरदान को मलय से पहली नज़र में ही प्यार हो जाएगा और वो उसे किसी भी कीमत पर मलय को खोना नहीं चाहेगी। तो जल्द ही अपू मलय और वरदान के बीच लव ट्रायंगल आने वाला है। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में रूप दुर्गापल की एंट्री हो चुकी है जहां वो शो में नताशा का रोल प्ले कर रही हैं। कहानी में नताशा की एंट्री अब देव और सोनाक्षी की जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट लाएगी। हाल ही में हमने देखा कि मिस्टर गुजराल अपनी बेटी नताशा को देव के घर डिनर पर लाते हैं। मिस्टर गुजराल देव और नताशा की शादी करवाने के लिए ईश्वरी से उनके बेटे देव का हाथ मांगते हैं। कल के एपिसोड में ईश्वरी ने मिस्टर गुजराल के मैरिज प्रपोजल के बारे में देव को बताया जिसे सुनकर देव को बड़ा शॉक लगता है। एक तरफ देव नताशा से प्यार नहीं करता और दूसरी तरफ वो मिस्टर गुजराल के साथ अपनी बिजनेस डील को खोना नहीं चाहता। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा मामी सोनाक्षी को देव और नताशा की शादी के बारे में बताएगी। इसे सुनकर सोनाक्षी का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। तो आखिर अब क्या होगा? क्या देव नताशा से शादी करने के लिए हाँ कर देगा? क्या सोनाक्षी देव से दूर चली जाएगी या वो सही वक्त पर देव से अपने प्यार का इजहार कर बैठेगी? वेल, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल। सीरियल साथ निभाना साथिया में मीरा और धर्म की शादी तो हो चुकी है पर उनके बीच बहुत उम्र का फर्क है। धर्म इस रिश्ते को तोड़कर मीरा के सुनहरे भविष्य के लिए उसे डिवोर्स देना चाहता है पर मीरा धर्म से प्यार करने लगी है और वो किसी भी कीमत पर अपने पति से दूर नहीं होना चाहती। धर्म मीरा के लिए डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा। ये देखकर मीरा का दिल टूट जाएगा और वो धर्म से गुस्सा हो जाएगी। वेल, अपकमिंग एपिसोड में ट्विस्ट आने वाला है जहां करण खंडेलवाल की शो में री एंट्री होने वाली है। आपको याद ही होगा कि करण ने शो में मीरा का एक्स बॉयफ्रेंड संस्कार पटेल का रोल प्ले किया था। संस्कार ने मीरा को किडनैप करके मोदी परिवार से पैसे झपेटने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, जब संस्कार को मोदी परिवार से पैसे मिल गए तो शादी के दिन उसने मीरा को धोखा दे दिया और वो मीरा को छोड़कर भाग गया। तो अब जब मोदी परिवार मीरा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे तब संस्कार पटेल मीरा की जिंदगी में फिर से लौटते हुए नजर आएगा। इसका मतलब धर्म और मीरा के बीच अब मीरा का एक्स बॉयफ्रेंड संस्कार आएगा। क्या मीरा संस्कार से शादी करने के लिए हाँ कर देगी? ये जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल। सीरियल नागिन में यामिनी और शेषा तो पहले ही नागमनी को पाना चाहते थे और अब इच्छाधारी नेवला यानी कबीर को भी नागमनी चाहिए, इसलिए नेवले ने शेषा के साथ हाथ मिला लिया है। शिवन्या की मौत और नागमनी को हासिल करना ही इन दोनों का मकसद बन गया है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गुरु माँ ने कबीर को इस दुनिया में वापिस लाई जिसके बाद कबीर ने यामिनी की बेटी अमृता के साथ सगाई कर ली। अपकमिंग एपिसोड में रहेजा परिवार में कबीर और अमृता की संगीत सेरेमनी होगी। ट्विस्ट तो तब आएगा जब जश्न के पहले शिवन्या कबीर का राज सबके सामने खोलकर रख देगी।
ऋतिक के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों को भी पता चल जाएगा कि कबीर एक इच्छाधारी नेवला है। अपने आप को बचाने के लिए कबीर छुप जाएगा और किसी के भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि सब उसकी घिनौनी सच्चाई जान चुके हैं। दूसरी तरफ कबीर को नागमनी की शक्तियों के बारे में पता चलेगा और उसे हासिल करने के लिए वो लालच में आकर उसी गुरु माँ को मार डालेगा जिसने उसे जिंदा किया था। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल।